इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप लोग काम कर रहे हैं, मैं बस थोड़ी परेशान हूँ ना इसके लिए। ठीक है, आपको जैसे कुछ पता चला आप मुझे बता दीजिएगा। उप्स, सॉरी। रिलैक्स देवरानी जी, आई नो, चिंता और परेशानी में अक्सर इंसान टकरा जाता है, और आप तो कल से कितनी परेशान हो। आहा, कहाँ जा रही है आप? मैं आपको ये बताने आई हूँ, कल जो कुछ भी अजय के साथ हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। जानती, मैंने आपको इतने सारे काम जो दिए थे, फिर ये सब चीजों के लिए आपके पास टाइम कहाँ बचता? खैर, काम से याद आया, वो समर की फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का क्या हुआ, रिजल्ट आया? अरे उसके बारे में तो मैं भूल ही गई। मतलब आपने कुछ नहीं किया? रिलैक्स कमली, किया था, पर अजय ने जो भी कारनामे किए उसके बाद मुझे और विनती भाभी को समर को दादी के साथ उसके कंपटीशन में छोड़ के हॉस्पिटल जाना पड़ा। चाची 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 चाची, ओह माय गॉड, देखो मैं जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, ये हम दोनों की ट्रॉफी है चाची। आप दुनिया की सबसे बेस्ट चाची हो। हाँ, ओह सो स्वीट। सच में श्रेया, तुमने समर के पीछे बहुत मेहनत की है। दिल तो कह रहा है कि घर वालों को सारी बातें बताओ, पर अजय का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो ये बातें बताना भी ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच। अरे भाभी आप भी। अरे तुम्हारी मेहनत के बगैर तो मैं इतना अच्छा कर ही नहीं पाती। तुम्हें पता है इतना एक्साइटेड हो रहा है कि ट्रॉफी लेके पूरे घर में घूम रहा है। चलो पापा के साथ सेल्फी खींचनी है। बाय चाची। बाय। तो देख लिया मैंने काम किया कि नहीं? जी, पर काम हुआ नहीं, काम बहुत अच्छा हुआ। गुड जॉब भाभी। मुस्कुराने की वजह? आपने इतना बड़ा काम जो कर लिया, मतलब कि जिन परायों को आप घर से बाहर निकालने का सोच रही थी, आज आप उनकी खुशी में खुश हो रही, तो ये कितनी बड़ी बात है। और आपने देखा ना, समर ने कैसे आपको अपना चैंपियन बोला। भाभी सच्ची, गुड जॉब। और ये सब देख के मुझे तो लग रहा है कि आप चेंज हो गई। चेंज वेंज कुछ नहीं हुई, बस तुम वो सीडी लेके मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए मुझे करना पड़ा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। ये तो अभी शुरुआत है भाभी, आगे आपको बहुत काम करने हैं और सबका दिल जीतना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मामा और मामी के विश्वास और प्यार को कभी टूटने नहीं दूंगी। सुनना, यहां आके थोड़ी हेल्प कर देना। मैं? भाभी, अजय शायद आपको बुला रहा है। थैंक यू। तुम यहां क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब? तुमने तो मुझे बुलाया तुम्हारी हेल्प करने के लिए। मैंने? कब? अरे मुझे अभी उत्पल भैया ने बोला कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं आ गई। गधा गई। मैंने तुम्हें नहीं उसे बुलाया था। तो क्या हुआ अगर मैं आ गई तो? इसमें सर पीटने वाली कौन सी बात है? ओ हेलो, तुम छोटे नहीं हो जाओगे अगर मुझसे मदद मांगोगे तो। और वैसे भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? तुमने पहले भी तो शर्ट उतारी है मेरे सामने, भूल गए? मारोगे तो मैं अपनी टी शर्ट पहन लूं। रुको, तुम यहीं बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बैठो, आगे मत करो। गुड बॉय। लिसन,
तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं लगी, इसलिए प्लीज आगे से मत करना, ये तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ओके? अरे ऐसे कैसे जिम्मेदारी नहीं है? मिस्टर अजय पेठेवाला, मैं तुम्हारी नर्स। व्हाट नर्स? मैंने खुद को तुम्हारी नर्स अपॉइंट किया है। ओके अब चुप करो। चुपचाप पहन लो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। संभाल कर संभाल कर। आपकी दीदी आई हुई है नीचे, वेट कर रही है, बुला रही है आपको। चलो हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। यार ये अमृता क्यों आई है? कहीं उसको उसके डैड के बारे में पता तो नहीं चल गया? मम्मी आपको पता है, अभी अभी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की और एक येलो कलर की चप्पल खरीदी, इतनी सुंदर है, वाओ। तुम्हारा ध्यान कहाँ है श्रेया? वो सीढ़ी अभी तक ढूंढी की नहीं तुमने? याद है ना, संजना ने एक सीढ़ी बनाई है जिसमें तुम्हारे सारे गलत काम भरे हुए, जिसे लेके तुमको धमका रही है वो। कहीं ऐसा ना हो वो सीढ़ी की वजह से तुम्हें घर से निकाल दिया जाए। ऑफ कोर्स मम्मी याद है, पर आपको पता है उस रूम में मैं जब भी जाती हूँ ना तब भी कोई ना कोई आ जाता है। लास्ट टाइम तो मैं ऑलमोस्ट पकड़ी जाने वाली थी। Oh God, मैंने अपने आप को कैसे बचा लिया? एवरेस्ट चढ़ जाओ श्रेया। क्या? बार बार कोशिश करो। जाओ अभी के अभी ढूंढो वो सीडी। ये शॉपिंग वॉपिंग बंद करो तुम। मम्मी ये सब इतना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ वो सीडी मेरे लिए खतरा है, लेकिन संजना और अजय के कमरे में ऐसे बार बार जाना उससे भी बड़ा खतरा है। अगर भूषण को पता चल गया ना तो वो मुझे इस घर से निकाल देगा। वैसे भी मैं तो संजना के खिलाफ भूषण को भड़का चुकी हूँ। श्रेया मेरी बेटी, मेरी बात समझ। तू क्या चाहती है? तेरी देवरानी तुझे धमकी देती रहे और तू सिर्फ डरती रहे? अभी तक तो सिर्फ समर के फैंसी ड्रेस का काम कराया है उसने तुमसे। कहीं ऐसा ना हो कि झाड़ू पोछा भी कराना शुरू कर दे। ओके मम्मी जा रही हूँ मैं। हाय दीदी, कैसे हो? अचानक यहाँ कैसे? मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, तू मेरी बात सुन। क्या हुआ दीदी, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो, सब कुछ ठीक है ना? हेलो दीदी, आप यहाँ कैसे हैं? संजना तुमने उन्हें कुछ खाने के लिए पूछा नहीं? नहीं मैंने उसे मना कर दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे दीदी, पहली बार हमारे घर पे आई हैं और हम आपको बिना खाए नहीं भेजेंगे। तुम चिंता मत करो, दीदी ने कहा कि इन्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, तो पहले हम बात कर लेंगे फिर मैं उन्हें चाय नाश्ता सब कुछ करवा दूंगी। लेकिन तुम नीचे क्या कर रहे हो? तुमको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना, तुम जाओ। नहीं मेरा मतलब मुझे भूख लग रही है तो तुम खाने के लिए कुछ बना दो ना। अजय तुमने अभी नाश्ता किया तो क्या तुम मुझे क्या फिर से भूख नहीं लग सकती क्या? ठीक है मैं अंगूरी को बोल देती। अंगूरी? क्या पता, मतलब डॉक्टर ने जो कहा उसे जाके वो समझा दो ना। एंड प्लीज हाँ डिटेल में, मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो। नखरे एक सेकंड। दीदी आइए बैठिए। हाँ। अरे वाह, पति पत्नी नीचे है, मतलब कमरा एकदम खाली। वाह Thank you.
किताबों के बीच में डायरी। संजना अग्रवाल, हम भी पढ़ते हैं हमारी देवरानी जी ने इस डायरी में क्या लिखा है। अजय, अब तुम्हारी चोट कैसी है? ठीक है, अभी ज्यादा दर्द नहीं है। आप कुछ संजना से बात करने आई थी ना, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या बात है? नहीं नहीं, वो मैं संजना से सिर्फ हालचाल पूछने आई थी। कहीं आप उसे ये तो बताना नहीं है कि मेरे एक्सीडेंट की वजह आपके डैड? लेकिन तुम्हें कैसे पता? बस जानता हूँ। लेकिन तुमने पुलिस या संजना को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता। पर क्यों अजय, वो तुम्हें मार देना चाहते थे और तुम हो कि? हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं संजना को कुछ बता नहीं रहा हूँ, मुझे मेरी जान की परवाह है। लेकिन आप तो जानती है ना कि मैं संजना की लाइफ में सिर्फ 4 से 5 महीने और हूँ, उसके बाद उसके डैड रहेंगे हमेशा। और काफ़ी टाइम बाद तो संजना और उसके डैड की बात चालू हुई है। मैं नहीं चाहता कि उनके बीच में और कोई प्रॉब्लम्स आए। हमारे घर में हमें यही सिखाया गया है कि रिश्ते सिर्फ जोड़ने से बात नहीं बनती, उन्हें निभाना भी पड़ता है। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि संजना और उसके डैड का रिश्ता बना रहे, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए, उनका विश्वास बना रहे। लेकिन इन सब में तुम्हारी जान खतरे में हो सकती थी। मुझे कुछ नहीं होगा दीदी, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, उनका आशीर्वाद है। देखिए ना, तभी तो मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूँ। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप संजना से कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, प्रॉमिस। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। अजय, तुम एक बहुत बढ़िया इंसान हो। संजना के पति ना होने के बावजूद भी तुम उसके लिए इतना सोचते हो, इतना सब कुछ करते हो। तुम एक बहुत अच्छे दामाद भी हो। काश तुम्हारी शादी सच में संजना से हो गई होती। चलो, संजना के आने से पहले मुझे निकलना चाहिए। अरे दीदी, कहाँ जा रहे हो आप? रुको रुको, यहाँ तुम ऐसे जाने दे रहे हो ना? आपको मुझसे बात करनी थी ना? नहीं, मुझे घर से कुछ अर्जेंट फोन आ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। वो हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? तू अपना ख्याल रख। अजय, तुम भी अपना ख्याल रखना। चलो बाय। ये तो पचकानी स्कूल गर्ल वाली हरकत है। एक भी मतलब की चीज नहीं है इसके अंदर। सोचा था सीटी के बारे में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। आज मैं किसी स्पेशल इंसान से मिली होगी अजय से। कॉलेज नोटिस बोर्ड के नीचे हम दोनों लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रहे थे। उसने जैसे ही अपना नाम पढ़ा, खुशी के मारे हाई जंप लगा बैठा। जमीन से 2 फीट ऊपर जब लैंड किया तो उसने मुझे खुशी के मारे गले लगा लिया। ओ माय गॉड, मैं हैरान। ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। आज उसने मुझे प्रपोज किया। वाओ, ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसकी हैंडराइटिंग इतनी खराब है। मैं तो शॉक्ड रह गई थी, पर एक्चुअली अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। सभी होते हैं। आज मेरे प्यार का बर्थडे है। कितना अच्छा दिन था ना जब वो पैदा हुआ होगा। थैंक यू भगवान, ऐसे अच्छे काम करते रहना। 20th October 1994 मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डे। 20th October 1994, पर अजय का बर्थडे तो 23rd अगस्त को आता है। और जहां तक मुझे याद है, भूषण ने कहा था अजय 1993 में पैदा हुआ था, इसीलिए आगरा शिफ्ट होने के बाद नए स्कूल में उसका 1 साल लॉस हुआ था। ये अजय, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने कहा तुम्हें भूख लगी है, तो मैंने तुम्हारा फेवरेट बेसन का चिल्ला बनाया। मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? तुमने मुझे दीदी से बात भी नहीं करने दी और तुम कह रहे हो तुम्हें भूख नहीं है। मुझे भूख नहीं है। अजय, ऐसे कैसे भूख नहीं है? मुझे भूख नहीं है तो मैं जबरदस्ती खाना क्यों खाऊं? अरे क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है और तुम्हें भी खाना पड़ेगा। बस
जब मुझे भूख नहीं है तो मैं जबरदस्ती खाना क्यों खाऊंगा? जबरदस्ती क्यों खाऊंगा? मैंने तो बनवाया क्यों? जब भूख नहीं था तो कहा क्यों? अजय रुको, जब से मैं तुम्हारी नर्स बनी ना तुमने बहुत तंग करना शुरू कर दिया। भूख हड़ताल पे हो क्या? रुको रुको अजय, अजय रुको 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 रुको, क्या कर रही हो? गिर जाएगा। रास्ता रोक रही हो तुम्हारा। संजना अजय खाना खा लो। गुड बॉय। मैं जानती हूं मेरी बहू रानी क्या सोच रही है। अजय के बारे में सोच रही है ना? जो भी है माँ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो तो मेरा बेटा है ना, तकलीफ तो होगी ना? बिल्कुल होगी बेटा, और होनी भी चाहिए। अगर माँ को तकलीफ नहीं होगी तो किसे होगी? अरे माँ बेटे का रिश्ता एक झटके में थोड़ी टूट जाता है। माँ, श्रेया को कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। पता नहीं, किचन में देख लो ना। अरे अभी ठीक। तू चल मेरे साथ। कहाँ माँ? बेटा एक बार तो अपने बेटे को मिल ले। अरे जाकर उसे देख तो ले बेटा, तेरा बेटा है वो। थूक दे गुस्सा, उससे मिलना भी चाह रही है लेकिन अपने आप को कष्ट भी दे रही है और उस बच्चे को भी कष्ट दे रही है। बेटा उसे दवाई की जरूरत नहीं है, उसे माँ की जरूरत है, माँ के हाथ की जरूरत है, माँ के प्यार की जरूरत है, बेटा आशीर्वाद की जरूरत है। ये क्या, तुमने अब तक खाना शुरू नहीं किया? जब मन होगा तब खा लूंगा। यहाँ मन होगा? तुम अभी तो नीचे कह रहे थे कि तुम्हें बहुत भूख लगी है और अब कह रहे हो मन नहीं है। रुको मैं तुम्हें खिलाती हूँ। मुँह खोलो। मैंने कहा ना मैं खुद देख लूंगा। अजय तुम ना बहुत जिद्दी हो गए, इतने बड़े होके भी तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। पता नहीं मामी तुम्हें बचपन में कैसे संभालती होंगी। प्यार से। पता नहीं इन दोनों की प्यार की कहानी कब खत्म होगी, इरिटेट करके रखा है। जहां डांट भी पड़नी होती थी ना वहां मामी प्यार और सिर्फ प्यार से समझाती। ठीक तो मैं भी प्यार से खिला रही हूँ ना, चलो खाओ। प्लीज मैंने कहा था ना अजय बिल्कुल ठीक है और संजना भी उसकी देखभाल बहुत अच्छे से कर रही है। माँ श्रेया दिख नहीं रही है, बाहर गई है क्या? अरे तो फोन करके पता कर लेना, बस दो मिनट की बीवी गायब हुई नहीं और तंग आ जाते हैं बच्चे। फोन की आवाज तो अजय के कमरे से आ रही है। चलो तुम देखते हैं। अरे श्रेया भाभी आप? श्रेया ये यहां कैसे गिर गया आके? दादी हटी ये। अरे बेहोश हो गई है। ये लो भूषण पानी। श्रेया, ये श्रेया भाभी हमारे बेड के पीछे आखिर कर क्या रही थी? जरूर कोई खिचड़ी पका रही होगी, मुझे पता लगा नहीं होगा।